बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तक उठी खेने इस्लामाबाद का लोक विरसा यादगार है पाकिस्तान, अजैब घर म्यूजियम जरा कि पाकिस्तान का इतना काफ़ी चीज़ा हैं। ये अंदर जुल के तक उठी खेने उत्ते देख सकते हो तुसा, ठीक है। तो ये अंदर जुल के इतों की हर चीज़ तक इंशाल्लाह दिखे ने पाकिस्तान मोनूमेंट इतना जुलसो इतना जुल के दोस्त नाल सारा एक दोस्त भी है इतों उबैद अली इन नाल भी गपशप करे सो इन को हाल हवाल भी गिनसूँ। ये स्टूडेंट हैं इतनी इस्लामाबाद पढ़ते हैं तो इस्लामाबाद के हाल हवाल भी इन्हें को गिनसूँ तो उत ही जुल के कोई पता नहीं मैं आगे हो जाना रही दसो कि इतना इस्लामाबाद को सारे जनूबी पंजाब को कितनी फर्क है। सही सारी अक्सर की मिसाल जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामाबाद तलीमी हवाले के नाल घूमन फिरन के हवाले सियासत के हवाले हर हवाले के नाल मकतबा फिक्र हर तौरे जो जिंदगी के मामलात हैं उन्हें बदल इस्लामाबाद तो जनूबी पंजाब का कोई मुवाजना ही कह नहीं तो असं मुवाजना करूँ तो मैं इस्लामाबाद की एक किस्म की असं एक उनकी बेकदरी करना पे क्योंकि इस्लामाबाद तुरा कैपिटल है जो सियासत के हवाले लिखो इतने तुरे सारे इदारे मौजूद हैं तुरे आर्म फोर्सेज के इदारे भी मौजूद हैं तुरे सिक्योरिटी फोर्सेज इतना हैं तो मैं ये समझना कि इस्लामाबाद तलीमी हवाले तो बहुत ही अच्छा एक सिटी है क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि मैं स्टूडेंट हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो मेरा बैचलर प्रोग्राम होने जरा ना अंडर कंटिन्यू है तो मेरे को तो इतना अच्छा बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता पाया तो सारी सराकी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है इस्लामाबाद अंदर तो असं उन्होंने रल मिलते असं कोऑर्डिनेट करते इतना सराकी कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस आ सराकी कोई शायर है हुकू प्रमोट करते रहें सराकी कोई अदीब है कोई राइटर है कोई जर्नलिस्ट है या कोई भी हवाले सराकी सारे सूबे का एक बहुत वाला जरा एक सारी तारीख चलती पी है कोई अजकल की तारीख नहीं है साल साल की तारीख असं होंगे बदल में जितना सारे कहने पोलिटिकली एक असं अपने मूवमेंट स्टार्ट करते पे हैं ऐसा कि जितना थी सके ऐसा कितने रखते हैं। इस्लामाबाद काफ़ी दोस्त आते हैं तुम्हारे अपने इलाके के जो तुम स्टूडेंट हो जाहिर तुम इतनी रिहायश पजीर हो तुम इस्लामाबाद जानते हो सो घूमते फिरते भी हो सो उन्हें को तुम खास तौर पर कि जगह पर गिन के वेंदे हो घुमावन वास्ते। हाँ बिल्कुल जी इस्लामाबाद अंदर बहुत सारी चीज़ें घुमा फिरा वास्ते इस्लामाबाद की जी सब को पहली जगह है वह है फैसल मस्जिद उतना हमने सारे बच्चों एक आलमी सतह से आर्किटेक्चर की एक उन्हें अपना लिस्ट जारी की जिन अंदर इस्लामाबाद को एक मकाम हासिल था पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद को एक किस्म की इज्जत अफजाई मिली है पूरी दुनिया के अंदर कि वो अठवें नंबर पर फैसल मस्जिद आई है पूरे ही जी सारी एक आर्किटेक्चर जी एक सोसाइटी बनी पी है इस्लाम पूरे दुनिया की वर्ल्ड की जी ना उनके अलावा इतना पाकिस्तान मोनूमेंट भी असा घेन दो दोस्तों को उनके अलावा मारगला का पहाड़िया हैं। मैं अटक से आया हूँ जी। अटक से आप भाई? मैं भी अटक से आया हूँ। आप दोनों दोस्त हैं या कज़न है? कज़न है। कज़न जी। पहली बार इधर आए या आगे भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं? अच्छा ये आपको पता है ये इसका क्या सीन है मतलब ये क्यों इस तरह का बनाया है इसने इन्होंने ये पाकिस्तान मोनूमेंट? ये पाकिस्तान जो बना था ना तो ये उसकी याद में बनाया हुआ। वो तो ठीक है लेकिन ये इस तरह का डिज़ाइन क्यों बना है? इस तरह का डिज़ाइन तो नहीं पता। नहीं पता जी। आपको पता है? इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कहीं पर सर्च भी नहीं किया? नहीं नहीं सर्च भी नहीं किया। अच्छा इस्लामाबाद कल हैं आज हैं या यहाँ रिहायश पजीर हैं? नहीं नहीं आज शाम को वापस चले जाएंगे। कब आए यहाँ? हम सुबह आए थे। कौन सी चीज़ इस्लामाबाद की आपको पसंद है? फैसल मस्जिद। आपको? मुझे ये मोनूमेंट इसलिए ये देखने आए थे। इन दोनों चीज़ों के अलावा? नहीं और कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? नहीं नहीं बस यही दो चीज़ें पसंद। मोनाल गए हैं आप कहीं? मोनाल नहीं गए जी। आप गए? एक दफ़ा गए फैमिली के साथ। मज़ा नहीं आया वहाँ? नहीं वो तो उधर भी ठीक है पर इधर ज़्यादा ठीक है। कि अगर इनको पता हो आपको पता है इसका डिज़ाइन क्यों बना इस तरह? ये चारों सूबों को मिक्स किया है ना मेरे। अच्छा चारों सूबों को मिक्स किया है तो ये डिज़ाइन बन गया। जी जी। आप कितने अरसे से यहाँ हैं? ये 4 महीने हुए हैं मेरे। 4 महीने पहले कहाँ थे आप? पहले सब्ज़ी फ्रूट का काम करता था। अच्छा अच्छा यहाँ पाकिस्तान के कौन से इलाके से ज़्यादातर लोग आते हैं पाकिस्तान मोनूमेंट में? ये खान आते हैं ज़्यादातर। पठान पश्तून आते हैं? पश्तून। अच्छा बाकी उनमें से दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर बस यही। अच्छा रश किस टाइम होता है यहाँ? ये दोपहर 3-4 बजे शुरू होता है। डेली होता है या किसी दिन? ये हफ्ता इतवार
जुमे को होता है, जुमा हफ्ता एतवार। जी 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 जी। अभी कोरोना की वजह से कोई मसला तो नहीं है यहाँ? नहीं नहीं। चलो बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद दिसदे वेडो पूरा इस्लामाबाद ते परो सेंटोरस माल और बिल्डिंग जो नौ दिसदियां तो उन्हें नाल परो फैसल मस्जिद भी दिसदी है ते इन नाल नाल एडो एडो जो बिल्डिंग खास तौर पर वो भी दिसदियां तो मीडिया के जो ऑफिस हैं वो भी तेरे सामने दिसदे पैनो देखो ये इस्लामाबाद है ये इस्लामाबाद है बहुत सोहना है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है लोग है वन से इतना काफ़ी दूर तो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाके तो लोग चक्कर चक्कर लाने आए वन सैर कर आए वन कार हैं उन टाइम जाऊँ जमाने जाऊँ बाद पाकिस्तान जो बन गए उन बाद जो अचीवमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को ताबीर करने वास्ते जो चीज़ें जरूरत है तो पाकिस्तान एयर एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान इस पीएस ए अल हालत टैंक अल दर्रार टैंक ए गन मिसाइल नेवी है ट्रैक वे पाकिस्तान आर्मी एच टी एन टी एम डी रहे मोहम्मद बिन कासिम ते इन्हें ना शेर शाह सूरी सुल्तान महमूद गजनवी ज़हीरुद्दीन बाबर इधर भी लगाएं उबैद अब्बासी उबैद अब्बासी आज़ादी जी जिदोजहद अंग्रेज ते एडो हिंदुस्तान मुसलमान रल मिल के जड़े अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रह गए आज़ादी ये मुगलिया दौर के बादशाह ये उन्होंने तर्ज जिंदगी तहजीब सर सैयद अहमद खान अपना घर
सियालकोट इकबाल का इो जी बिल्कुल सेम घर रहा बैठन किताब की मतलब किताब का मुताला लुका और कबूतर इकबाल अपना घर जो वह बिल्कुल घर है किताबों लैथन सामने तो इकबाल नमाज पढ़ते बार जिमें कि नमाज पढ़ते हैं इकबाल खिताब करें खड़न सर खुतबा अल्लाहबाद इन्हें जरा दिता एक खुतबा अल्लाह अल्लाहबाद इकबाल दे जरे मतलब जरे इस्तेमाल जो चीज़ा ए इकबाल थले जी कालीन होंगी इकबाल की टोपी है ये इकबाल की जैकट है तो इकबाल की टेल कोट है एक कालीन है इकबाल का पखा है इकबाल के बूट न इकबाल का पखा है इकबाल की चेयर है कुर्सी है ते ए सर इकबाल का कलम है जिंद किताबा लिखा गया ते कापी वे जाती नोटबुक इकबाल की इकबाल की पासबुक वे लाहौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये उनकी पासबुक वे इनकी राइटिंग है इकबाल की हैंड राइटिंग है सर ठीक है इकबाल की रोजनामचा की तफसील है वे फ्रूट इतने दे इतने दे ये अपने ऑफिस चैंबर है जाको जा चैंबर का बैरिस्टर है मजा आता है बैरिस्टर बिल्कुल बस थोड़ा सा लग गया सी कैद आजम बतौर चीफ स्कोर पाकिस्तान पल हलफ उठाने के बाद पहला कलाम पढ़ के सुनाया गया तो कराची मुहाजर कैंप मुहाजरीन कैद आजम नाल मुलाकात करें तो अपना जो मुश्किल वो दसाया कि क्या कहे कहे मसाइल हैं जेडे के उडवाया हिंदुस्तान तो करके हिजरत करके एक कबायली सरदार कैद आजम उन्होंने को वेलकम आता पाए खैबर एजेंसी 48 फरवरी 1948 बलोच सरदार जरा ना तो उन्होंने मुलाकात है जरा बलोचिस्तान का जरा सरदार इतना ढाका मुख्तलिफ कौमें जातें जरा लोग हैं तो उन्होंने मुलाकात एक
किताबों का रहता ना पढ़ता रहता है रहता ना तो किताब लिखी क्या नहीं लिखी बात है हाँ लेकिन एक पढ़ता रह गया ये लम्हा एक बार लिखता है इनके लिए लिखी किताब है हिंदुस्तान से लाखों बेयार मददगार मुस्लिम महाजरीन ट्रेनों के जरिए और पाकियादा आंकड़ों की सूरत में पाकिस्तान आए। इन लाखों महाजरीन की बहाली और आबादकारी एक ऐसी नई मम्लिकत के लिए जो अभी वजूद में आई हो इतना बड़ा मसला था कि अब उसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। मगर कायदे आजम ने गैर मानवीय